हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्विज़र बुक। आप सभी का क्विज़र बुक पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम यूपीटर पॉलिसी पैट 2022 की प्रैक्टिस सेट की श्रृंखला में यूथ के 10th प्रैक्टिस सेट के साथ उपस्थित हुए हैं। आप सभी से निवेदन है कि अभी तक जितने भी प्रैक्टिस सेट पैट से रिलेटेड डाले जा चुके हों, चाहे वो आपका किरण हो, घटना चक्र हो, यूथ हो, अरिहंत हो, सक्सेस बूस्टर हो, या अन्य प्रैक्टिस सेट हो, या फिर आपकी स्पीडी की करंट अफेयर या सेक्शनल प्रैक्टिस सेट डाले जा चुके हैं, आप सभी वीडियो को देखें, साथ ही साथ अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर दें। चलिए अपना डिसीजन शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल सेनानायक के साथ शिवाजी ने पुरंदर की संधि 1665 को पर हस्ताक्षर किए थे? ऑप्शन सर जय सिंह, जसवंत सिंह, शाइस्ता खां, अफजल खां। तो पुरंदर की संधि मुगल सेनानायक और शिवाजी के बीच हुई थी, वह मुगल सेनानायक कौन था? तो वह था जय सिंह। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित युगों में से कौन सुमेलित नहीं है? आपके एक तरफ शहर दे रखा है, दूसरी तरफ उसमें स्थित वास्तुकला, तो इसमें से कौन संबंधित नहीं है उसका बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है अजमेर, कुबल अल इस्लाम, जौनपुर, अटाला मस्जिद, मालवा, जहाज महल, गुलबर्गा, जामा मस्जिद। तो आपके अजमेर, कुबल अल इस्लाम ये सम्मिलित नहीं है, ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची एक को सूची दो से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड के आधार पर सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची एक में आपकी रचना या पुस्तक दे रखी है, सूची दो में उसके रचयिता दे रखे हैं। तो आप सभी को पता है अष्टाध्यायी, महाभाष्य, निरुक्ति, वर्तिका। तो अष्टाध्यायी की आपकी कौन सी है? आपकी अष्टाध्यायी की पाणिनीय है। और महाभाष्य किसकी है? महाभाष्य आपके पतंजलि को लिखा है। तो आपका ए का फोर्थ और बी का थर्ड, ए का फोर्थ आपका ऑप्शन नंबर ए ही में है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, ए का फोर्थ बी का थर्ड, मतलब महाभाष्य पतंजलि किसकी है? महाभाष्य की। और आपका सी का फर्स्ट है, मतलब यास्क वर्तिक। और ऑप्शन नंबर डी का टू है, सॉरी, आपका थर्ड का सी है, निरुक्त का यास्क और वर्तिक का कात्यायन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित मौर्य शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे? आपके कौन निम्न में से कौन से मुगल शासक, मौर्य शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे उन्हें बताना है। तो चंद्रगुप्त, अशोक, बिंदुसार, दशरथ। उस सही उत्तर का चयन कीजिए, एक या दो, दो या तीन, तीन या चार, दो या चार। तो आपका अशोक और उसका पौत्र दशरथ ये दोनों बौद्ध धर्म के थे। चंद्रगुप्त आपको पता है ये जैन धर्म का अनुयायी था, जैन धर्म का। और आपको सबको पता है बिंदुसार जो है आपका आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन कौन से बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं? एक तो दशरथ है, एक अशोक है। तो ऑप्शन नंबर वो टू एंड फोर, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शतपथ ब्राह्मण संबंधित है? शतपथ ब्राह्मण किसका से किस वेद से संबंधित है? ऑप्शन सा ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्वेद। तो आपका शतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद से संबंधित है, शतपथ और तैत्रेय ब्राह्मण यजुर्वेद से संबंधित है। अथर्वेद से कौन संबंधित है? वो है आपका गोपथ। गोपथ किससे संबंधित है? अथर्वेद से। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिविल सेवा के लिए प्रतिस्पर्धी परीक्षा की व्यवस्था सिद्धांत रूप से निम्नांकित वर्ष में स्वीकार की गई थी? किस वर्ष में आई? ऑप्शन सर 1833, 1853, 1858, 1882। तो आप सभी को पता है 1853 के अधिनियम में सभी सिविल सेवा से परीक्षा प्रारंभ हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अरुणा आसफ अली एक भूमिगत गतिविध प्रमुख आयोजक थी? ऑप्शन सर सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन। तो अरुणा आसफ अली भूमिगत गतिविध प्रायोजक कितनी किस आंदोलन में थी? तो भारत छोड़ो आंदोलन थी, 9 अगस्त 1942। जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था उस समय बड़े बड़े नेताओं की गिरफ्तारी हो चुकी थी, तो उस समय आंदोलन को किसने लीड किया था? अरुणा आसफ अली ने लीड किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की सरकार का उद्घाटन कहाँ पर किया था? ऑप्शन सर सिंगापुर में, टोक्यो में, कलकत्ता में, रंगून में। तो सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की सरकार का आयोजन उद्घाटन सिंगापुर में किया था, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ा सही नहीं है? तो आपका
इधर व्यक्ति दे रखे हैं, उनसे संबंधित कोई आपका केस दे रखा है। तो रामप्रसाद बिस्मिल द्वितीय लाहौर षड्यंत्र केस, सूर्य सेन चटगांव केस, भगत सिंह काकोरी षड्यंत्र केस, चंद्रशेखर आज़ाद दिल्ली बम कांड। तो कौन सा जोड़ा सही है? आपका सूर्य सेन चटगांव केस, ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता का प्रणेता किसे कहा जाता है? ऑप्शन सर ऑगस्टस हिकी, चार्ल्स मेटकॉफ, मैकग्रेथ डिजोरेली। तो भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता का प्रणेता चार्ल्स मेटकॉफ को कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए के दक्षिणी कैलिफोर्निया में मृत घाटी उदाहरण है? ऑप्शन सर अपनत घाटी, अभिनत घाटी, पूर्ववर्ती घाटी, रिफ्ट घाटी। तो कैलिफोर्निया में स्थित मृत घाटी किसका उदाहरण है? रिफ्ट घाटी का, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रांस तथा स्पेन के बीच सीमा बनाने वाला पर्वत है? ऑप्शन सर अपेनाइंस, आल्पाइस, जुरा, पैरिनीज। तो फ्रांस तथा स्पेन के बीच में कौन सा पर्वत श्रेणी सीमा बनाती है? वो है पैरिनीज, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित देशों में से किसके पास विश्व का सर्वाधिक बॉक्साइट का संचित भंडार है? ऑप्शन सर भारत, रूस, सूरीनाम, ऑस्ट्रेलिया। तो बॉक्साइट का सर्वाधिक संचित भंडार किसके पास है? ऑस्ट्रेलिया के पास, ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है? ऑप्शन सर अलकनंदा, भागीरथी, मंदाकिनी, गंगा। तो बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर किस पे है? अलकनंदा पे, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उरुग्वे दौर किससे संबंधित है? ऑप्शन सर WTO, IMF, GATT, विश्व बैंक। तो उरुग्वे दौर किससे संबंधित है? WTO से, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिनेवा में जिसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य में जनसंख्या में कमी आई थी? ऑप्शन सर नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, सिक्किम। तो 2011 की जनगणना के अनुसार एकमात्र राज्य नागालैंड में जनसंख्या की कमी आई थी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन मध्यान्ह भोजन योजना को प्रारंभ एवं व्यवस्थित नहीं करता है? ऑप्शन सर स्कूल मैनेजमेंट, पंचायती राज संस्था, स्वयंसेवक समूह, ठेकेदार। तो आप सबको पता है ये वर्ड ही ऐसा है, ठेकेदार। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक रबी फसल है? ऑप्शन सर कपास, मक्का, अरहर, सरसों। तो आपको सबको पता है कि रबी की फसलें सरसों है, गेहूं है, ये सब रबी फसलें हैं, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रुपये का बाह्य मूल्य हाल ही में अवमूल्यन किया गया? ऑप्शन सर जुलाई 1991 में, जनवरी 1991 में, जुलाई 1990 में, जनवरी 1990 में। ऑप्शन आपके बिल्कुल करीब करीब दे रखे हैं। तो भारतीय रुपये का बाह्य मूल्य हाल ही में अवमूल्यन किस वर्ष हुआ? जुलाई 1991, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयात एवं निर्यात के लगाए जाने वाले आयात व निर्यात पर लगाए जाने वाले कर को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन सर आयकर, व्यापार कर, सीमा कर, उक्त से कोई नहीं। तो आयात और निर्यात पे जो कर लगता है उसको हम लोग सीमा कर कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की 11वीं अनुसूची के अनुसार पंचायत के क्षेत्राधिकार में कुल कितने विषयों को रखा गया है? ऑप्शन सर 27, 28, 29, 30। तो पंचायती राज व्यवस्था में 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? आपके 29 विषय हैं, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। और 12वीं अनुसूची में 18 विषय हैं, 12वीं अनुसूची में आपके 18 विषय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान तथर्थ न्यायाधीशों की संयुक्त की व्यवस्था करता है? ऑप्शन सर सर्वोच्च न्यायालय में, उच्च न्यायालय में, जिला एवं सत्र न्यायालय में, उपरोक्त सभी में। तो भारतीय संविधान तथर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय में करता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र राज्य संबंध पर डॉक्टर PV राजमन्नार समिति गठित की गई थी? ऑप्शन सर आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश द्वारा, केरल द्वारा, तमिलनाडु द्वारा, कर्नाटक द्वारा। तो PV राजमन्नार समिति का गठन तमिलनाडु द्वारा हुआ था, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है? यह एक मौलिक अधिकार है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का अंग है, मौलिक कर्तव्य है, आर्थिक अधिकार है। तो समान कार्य के लिए समान वेतन हमारा राज्य के नीति निर्देशक तंत्र में सिद्धांतों का अंग है, ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत विदेश नीति से संबंधित है? ऑप्शन सर अनुच्छेद 380, अनुच्छेद 312, अनुच्छेद 60, अनुच्छेद 51। तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? विदेश नीति से संबंधित अनुच्छेद हमारा 51 है, ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बर्ड फ्लू विषाणु है? ऑप्शन सर एन
H5N1, तो कौन सा बर्ड फ्लू विषाणु है, तो H5N1, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक खनिज है, ऑप्शन सा सोडियम, गंधक, पोटेशियम, लोहा, तो हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला खनिज है पोटेशियम, ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मुख्यतः किसके लिए प्रोसीटेन संख्या गुणता प्राचल के रूप में प्रयुक्त होती है, ऑप्शन सा पेट्रोल, मिट्टी का तेल, डीजल, तारपीन तेल, तो मुख्यतः किसके लिए सीटेन संख्या गुणता प्राचल के रूप में प्रयुक्त होती है, डीजल के लिए, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रसायन कृत्रिम वर्षा में प्रयोग आता है, ऑप्शन सा सिल्वर आयोडाइड, पोटेशियम क्लोरेट, कैल्शियम कार्बोनेट, जिंक आयोडाइड, तो कृत्रिम वर्षा अर्थात आर्टिफिशियल रेन के लिए कौन सा प्रयोग किया जाता है, सिल्वर आयोडाइड, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडियो तरंगों के विक्षेपण के लिए वायुमंडल के निम्नलिखित स्तरों पर कौन सा स्तर उत्तरदायी है, ऑप्शन सा क्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फियर, समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फियर, मध्य मंडल, मेसोस्फियर, आयन मंडल, आयनोस्फियर, तो रेडियो वेव्स के लिए उनके संचालन के लिए कौन सा मंडल उत्तरदायी है, आयन मंडल, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी गद्य का सर्वप्रथम युग किसे माना जाता है, हिंदी गद्य का सर्वप्रथम युग किसे माना जाता है, ऑप्शन सर भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, शुक्ल युग, प्रेमचंद युग, तो हिंदी गद्य का सर्वप्रथम युग भारतेंदु युग को माना जाता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक करेला लोकोक्ति पूर्ण करें, ऑप्शन सर दूजा बांग चढ़ा, दूजा पेड़ चढ़ा, दूजा पेड़ भला, दूजा नीम चढ़ा, तो एक करेला दूजा नीम चढ़ा, ये आपका पूर्ण लोकोक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सदैव शब्द में संधि है, ऑप्शन सर गुण संधि, दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, अयादि संधि, तो सदैव संधि शब्द में कौन सी संधि है, आपकी गुण संधि है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, सॉरी आपकी ये वृद्धि संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैंने अपना हस्ताक्षर कर ली दिया, इस त्रुटिपूर्ण वाक्य के लिए निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य पहचानिए, ऑप्शन सर मैंने हस्ताक्षर कर दिया, मैंने अपने हस्ताक्षर कर दिए, मैंने अपना हस्ताक्षर कर दिए, मैंने हस्ताक्षर कर दिए, तो इसमें आपको शुद्ध वाक्य पहचाना है, तो मैंने अपने हस्ताक्षर कर दिए, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विलोम शब्दों के अनुचित जोड़े को पहचानिए, ऑप्शन सर लभ्य अलभ्य, शेष अशेष, शिष्ट परिशिष्ट, शीर्ष तल, तो आपका अनुचित जोड़ा कौन है, शिष्ट परिशिष्ट, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित किया गया, ऑप्शन सर पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मणिपुर, तो भारत का पहला राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय कहाँ आयोजित का स्थापित किया गया है, मणिपुर में, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है, ऑप्शन सर 8 मार्च, 21 मार्च, 5 जून, 22 जून, तो विश्व वानिकी दिवस आपका 21 मार्च को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क की स्थापना किस वर्ष हुई थी, ऑप्शन सर 1991, 1971, 2003, 2010, तो ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क की स्थापना 2003 में हुई, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भद्रा वन्यजीव अभ्यारण किस राज्य में स्थित है, ऑप्शन सर केरल, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, तो भद्रा वन्यजीव अभ्यारण किस राज्य में स्थित है, कर्नाटक में, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है, ऑप्शन सर जेनेवा, पेरिस, द हेग, रोम, तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है, द हेग, नीदरलैंड में, ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अबू धाबी किसकी राजधानी है, ऑप्शन सर यूनाइटेड अरब अमीरात, नीदरलैंड, दक्षिण कोरिया, इटली, तो अबू धाबी किसकी राजधानी है, यूनाइटेड अरब अमीरात, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश की कुल कितने लोकसभा संसदीय क्षेत्र हैं, ऑप्शन सर 64, 75, 80, 70, तो उत्तर प्रदेश के कुल कितने लोकसभा संसदीय क्षेत्र हैं, 80 हैं, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचमहल किस में स्थित है, ऑप्शन सर हवा महल, ग्वालियर का किला, फतेहपुर सीकरी, आगरा का किला, तो पंचमहल किस में स्थित है, फतेहपुर सीकरी में, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मई 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध संस्कृत और विरासत केंद्र का शिलान्यास किया, ऑप्शन सर मालदीव, कंबोडिया,
नेपाल, म्यांमार। तो अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध संस्कृत और विरासत केंद्र का शिलान्यास नेपाल में हुआ, ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मई 2022 में फोर्ब्स द्वारा जारी दुनिया के 10 शीर्ष भुगतान पाने वाले एथलीटों की सूची में प्रथम स्थान किसने प्राप्त किया? ऑप्शन सर, रोजर फेडरर, लियोनल मेसी, कोनोर मैक्रमोर, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। तो 10 शीर्ष भुगतान पाने वाले एथलीटों की सूची में सबसे शीर्ष पे हैं लियोनल मेसी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मई 2022 में किस राज्य ने चारा बिजाई योजना शुरू की? तो वो है राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। चारा बिजाई योजना किसके द्वारा शुरू हुई है? हरियाणा राज्य के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मई 2022 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन सा देश बना? ऑप्शन सर, अमेरिका, चीन, रूस, यूएई। तो भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन बना है? अमेरिका बना है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिवर्ष विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन सर, 22 मई, 26 मई, 28 मई, 31 मई। तो प्रतिवर्ष तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मई 2022 में किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार खोजा गया है? ऑप्शन सर, झारखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक। तो भारत का सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार कहाँ खोजा गया है? बिहार में, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जून 2022 में परम अनंत सुपर कंप्यूटर कहाँ कमीशन किया गया? ऑप्शन सर, गांधीनगर, दिल्ली, बनारस, जयपुर। तो सुपर कंप्यूटर परम अनंत को कहाँ से कमीशन किया गया? गांधीनगर से, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्विक मातृ पितृ दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन सर, 22 मई, 1 जून, 11 जून, 12 जून। तो विश्व मातृ पितृ दिवस कब मनाया जाता है? 1 जून को, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय मूल के प्रसिद्ध लेखक सलमान रुश्दी को किस देश का प्रतिष्ठित पुरस्कार प्रदान किया गया? ऑप्शन सर, ब्रिटेन, अमेरिका, जापान, कनाडा। तो सलमान रुश्दी को ब्रिटेन का प्रतिष्ठित पुरस्कार प्रदान किया गया है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जून 2022 में भजन सोपारी का निधन हो गया, वह संगीत के किस वाद्य यंत्र से संबंधित थे? ऑप्शन सर, बांसुरी, सितार, संतूर, वीणा। तो भजन सोपारी का संबंध संतूर से था, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जून 2022 में जारी पर्यावरण निष्पादन सूचकांक में भारत का स्थान कितना है? ऑप्शन सर, 150, 160, 170, 180। तो पर्यावरण निष्पादन सूचकांक में भारत का स्थान 180 है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जून 2022 में अंतर्राष्ट्रीय मैचों में सर्वाधिक रन बनाने वाली किस महिला क्रिकेटर ने संन्यास लिया है? ऑप्शन सर, झूलन गोस्वामी, मिताली राज, सेफाली वर्मा, हरमनप्रीत कौर। तो अंतर्राष्ट्रीय मैचों में सर्वाधिक रन बनाने वाली किस महिला क्रिकेटर ने संन्यास लिया है? मिताली राज ने। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।